자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고. Hey guys, it's Mansi and welcome back to my channel. So I'm back with another haul video. और ये वाला haul video होने वाला है Albanic haul video. जिसमें मैंने tops include किए हैं और बहुत सेक्सी टॉप इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं. बहुत अच्छी प्राइजेस में मैंने इसे परचेज किया है और ये सारा स्टफ मैंने परचेज किया है 2000 में. ठीक है, 1000 का ये वाला पैकेज है और 1000 का ये वाला पैकेज है. तो वीडियो एंड तक जरूर देखना. बहुत अल्टीमेट टॉप मैंने इसे परचेज किए हैं क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक से तो स्टफ जो आता है बहुत अच्छा ही आता है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. फिर लाइक वीडियो प्लीज गिव द थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आल्सो हिट द बेल आइकन सो नेवर मिस एनी अपडेट. सो लेट्स गेट इन द वीडियो. तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो स्टफ मैंने परचेज किया है 2000 के अंडर में किया है. लाइक 2000 पूरा टोटल प्राइस ही आप लगा सकते हो. 2000 है इसका. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो और वीडियो एंड तक जरूर देखना प्लीज क्योंकि आप स्किप कर देते हो वीडियो. ठीक है, इतना लॉन्ग नहीं बनाऊंगी मैं. तो स्टार्ट करते हैं इस. तो जो फर्स्ट टॉप मेरे पास है हमें मिलता है वो मिलता है हमें क्यूट सी टी शर्ट टॉप. बहुत ही प्यारा टी शर्ट टॉप है क्योंकि एक तो ये आपको पिक्चर वाइज दिख जाए और लिंक्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा टी शर्ट टॉप है ये. एक मिनट. हाँ, आपको ये टर्टल नेक में मिल जाता है. ज्यादा डीप नहीं है बिल्कुल भी. आप इसे आप बोलते हो कि आपको बहुत डिसेंट सा टॉप चाहिए तो आप ये वाला वेयर कर सकते हैं. ठीक है, व्हाइट और ब्लैक इसमें दो कलर ऑप्शंस थे एंड इसमें आपको साइजेस मिल जाते हैं. शायद स्मॉल भी था, एक्स स्मॉल शायद नहीं था या फिर मैंने नहीं मंगाया. हाँ, शायद मैंने एक्स स्मॉल मंगवाया. ओके, एक्स स्मॉल मेरा साइज है इसमें और बहुत ही ज्यादा प्यारा. एक मिनट रुकिए, इसमें मेरा साइज एक्स स्मॉल कंफर्म है. तो एक्स स्मॉल इसका मेरा साइज है और इसका जो आपको ओरिजिनल प्राइस मिलता है वो 690 मिलता है सारे टैक्स लगा के. बट ये मुझे 500 का मिला है. मैंने इसको बाय वन गेट वन वाला जो ऑफर आता है उसमें परचेज किया है. तो बहुत सुंदर टॉप है. आपको स्लीव्स इसकी हाफ स्लीव्स मिल जाती है. समर पर्पज से बहुत प्यारा है और विंटर पर्पज से भी अगर आप इसमें ब्लैक कलर की इनर वेयर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाता है. बिल्कुल टी शर्ट टाइप टॉप है. बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है. ठीक है, फैब्रिक बहुत अच्छा है. स्टिचिंग बहुत ऑसम है. बैक से नॉर्मल मिलता है. फ्रंट से आपको इसमें दो हुक टाइप्स में मिलते हैं. ये इसका कुछ पैटर्न है. ये दोनों हुक टाइप्स में आपको मिलते हैं और बैक से इसका जो साइज है वो कुछ इस तरह से है और फ्रंट से वो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे. ओवरऑल बहुत सुंदर वाला टॉप है ये. मैंने ब्लैक में परचेज नहीं किया क्योंकि मेरे पास बहुत सारा स्टफ ब्लैक में हो चुका है और मैं कुछ भी वेयर करती हूँ वो ब्लैक है और मैं समझ में इतना ब्लैक नहीं वेयर कर सकती क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता ब्लैक तो क्योंकि बहुत ज्यादा इचिंग होती है. ठीक है, और बहुत ज्यादा उसमें गर्मी लगती है. तो इस वजह से मैंने व्हाइट परचेज किया. ट्रांसपेरेंट होने वाला है. मैंने जब वेयर किया था तो मेरी इसमें इनर बहुत अच्छे से दिख रही थी. तो आप इसमें जो भी स्पेगेटी या फिर ट्यूब कुछ भी आप इसमें वेयर करते हैं तो वो व्हाइट ही करना प्लीज. डिफरेंट करोगे तो वो जो कलर है वो अपने आप बाहर दिखेगा और जो इस टी शर्ट का लुक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा. तो प्लीज इसमें जो भी इनर वेयर करते हो आप उसमें व्हाइट ही पहने. तो फर्स्ट मेरा टॉप ये था. बहुत प्यारा टॉप. बात करते हैं सेकंड टॉप की. ठीक है, इसका सिमिलर ही है ये टॉप जो मैंने परचेज किया है. ये भी मैंने अर्बैनिक से परचेज किया था और ये वाला भी अर्बैनिक से परचेज किया है. मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड कलर. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है रेड कलर. मेरा फेवरेट नहीं है बट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो ये आप देखेंगे ना तो ये वाला टॉप कुछ टाइप वाला टॉप है. लाइक इसमें आपको स्ट्रेप्स मिलती है बहुत लॉन्ग में. यहाँ तक आपको ये आप इसमें कुछ अलग से दिया हुआ है. देखो यहाँ से अलग से फैब्रिक इंक्लूड किया है. ये इतना आप इधर से पहन सकते हो. उसके बाद इसमें क्या बन जाएगा, एक नोट बन जाएगा. ठीक है, एक बो बन जाएगा. तो फ्रंट में आप इसको देखोगे तो ये भी मेरे पास एक्स्ट्रा स्मॉल में है और आपको कलर इसमें थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा बिकॉज मैंने रिंग लाइट लगा रखी है तो आपको कलर थोड़ा सा डाउन दिखेगा. बट इसका कलर प्रॉपर चेरी रेड है. प्रॉपर चेरी रेड है इसका. बहुत सुंदर इसका कलर है और लुकिंग वाइज इतना प्यारा है. इतना क्यूट टॉप है. हाई वेस्ट जीन्स पे इतनी सुंदर लगने वाला है ये. बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है. पॉलिएस्टर इनके जितने भी ये वाला टी शर्ट टॉप तो हटाई दो. ठीक है, इनके जितने भी फैब्रिक्स होते हैं वो मोस्टली 90% पॉलिएस्टर होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये वाला टॉप पॉलिएस्टर है. ये सारे पॉलिएस्टर है. फिटिंग बहुत सुंदर लगने वाली है इसकी. बहुत प्यारा लगने वाला है और बहुत अच्छा लगने वाला है. प्लीज ये वाला टॉप एक बार परचेज करके जरूर देखना. जो साइज है मैंने आपको बता दिया एक्स स्मॉल है और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 790 है. तो ये 1100 समथिंग का मुझे कुछ रिसीव हुआ था. 11 या 12 इतना याद नहीं है
बट ये वाला टॉप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ज्यादा। मतलब इसकी जो एक तो आप इसको देखो, इसमें आपको स्क्वायर नेक मिल जाता है, ठीक है। स्क्वायर नेक वाले बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत एक टैंक टॉप वाला जो लुक आता है ना, वो आता है इसमें। इसमें कोई राउंड शेप, वी नेक, इसमें ये सब नहीं मिलता है। इसमें आपको स्क्वायर नेक मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इसका लुक बहुत सुंदर। पॉलिएस्टर है, बहुत अच्छे से इसमें किसी व्हाइट जीन्स पे वेयर करेंगे तो भी बहुत सुंदर लगने वाला है। स्कर्ट के साथ बहुत अच्छे से जाने वाला है, ब्लैक स्कर्ट के साथ वेयर करना या फिर व्हाइट स्कर्ट के साथ वेयर कर सकते हो। बहुत सुंदर से जाने वाला है ये, और बहुत अच्छा लगने वाला है। ये वाला फैब्रिक भी बहुत काफी अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है, मतलब सुंदर है, क्या बोलूं। अर्बेनिक के कपड़े इतने सुंदर होते हैं, इनके बारे में कुछ ना बोलो तो ही बेहतर है। बहुत अच्छा है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि हमें अर्बेनिक के हम स्टफ परचेज करते हैं उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होती है, बहुत रेयर, बहुत ज्यादा रेयर। नहीं तो इनका जो फैब्रिक होता है इतना अल्टीमेट होता है, फिटिंग बहुत शानदार होती है। मतलब मीशो, मंत्रा, ये सब फेल है अर्बेनिक के आगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आप ये वाला परचेज करते हैं तो बहुत अच्छे से। बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, सो मैंने इसी के साथ में शायद से इसके साथ या इसके साथ मैंने एक एक छोटू सा नेक पीस भी मंगवाया था, छोटू सा चेन वाला, ठीक है। इसमें हर्ट वाला था, क्योंकि मुझे ये वाले छोटे छोटे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इस वजह से मैंने परचेस किया था। देख सकते हैं आप, बहुत छोटा सा है, हल्का सा, क्योंकि ना इतने ज्यादा हैवी मैं पहनती नहीं हूँ ना, मतलब मैं नहीं पहनती कभी भी। आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे देखा होगा तो मैं कभी ऐसे बहुत बड़े बड़े चोकोज वगैरह ये वेयर नहीं करती। मैं बहुत लाइट जितना हो सकता है, मैं इवन वीडियोज के लिए भी मैं इयररिंग्स नहीं वेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ना इचिंग होती है, लाइक मुझे पसंद नहीं है इतना। पर तो मैंने इसीलिए छोटा वाला मंगवाया, और ये मुझे कॉस्ट किया है, इसका 100 रुपीज प्राइस था, बट ये 70 का इंक्लूड हो गया था, क्योंकि मैंने रिफर किया था एक फ्रेंड को, तो मुझे 200 का मुझे एक कूपन मिला था, जिससे मेरे 200 रुपीज माइनस हो गए, लेस हो गए, तो मुझे ये थोड़ा सा कम में मिल गया, ठीक है। तो बात करते हैं थर्ड टॉप की। तो थर्ड टॉप जो मैंने परचेज किया है, लेट मी शो यू, ये वाला देख लेते हैं। ये वाला मैंने रिसेंट अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये पहना हुआ था, तो मुझसे पूछा था ये टॉप कहाँ से लिया है, तो ये मैंने अर्बेनिक से लिया है। तो इस टॉप के बारे में हाँ मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि ये वाला टॉप आप परचेज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्यों? एक तो ये पॉलिएस्टर नहीं है, ये पूरा कॉटन में है, कॉटन पॉलिएस्टर दोनों का मिक्स वाला फैब्रिक है ये। और मतलब मैं क्या बोलूँ, ये मुझे क्रॉसेट वाला टॉप लगा था, लाइक कि है ना बिल्कुल प्रॉपर फिट आने वाला है, लेकिन ना यार ये बहुत ज्यादा ना, इसका जो ये नेट वाला है लुक बहुत ज्यादा प्रिटी है, आप देख सकते हैं पिक्चर वाइज भी देखोगे तो, उस जो गर्ल पे जिसने ये वेयर किया उस पर कितना सुंदर लग रहा है। मैंने वेयर किया था तो ये ना ऐसा आ रहा था कि यहाँ से नेट थोड़ा सा ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो मतलब पूरा फिक्स नहीं आया, जबकि इसमें बैक में इलास्टिक दिया हुआ है और इसमें एक्स स्मॉल नहीं था, ठीक है, शायद जितना मुझे पता है, या फिर मैंने एक्स स्मॉल मंगवाया। बट मुझे लगा था ये वाला जो टॉप आया था ये क्रॉसेट वाला टॉप आएगा, जिसकी फिटिंग बहुत ज्यादा औसम आने वाली है, बट इसकी फिटिंग इतनी कुछ खास आई नहीं मुझे, और इतना कुछ खास लगा भी नहीं मुझे ये। पर इसका प्रिंट बहुत ज्यादा सुंदर है, ब्लू कलर का है, पिंक कलर के इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, रोजेस बने हुए हैं, और ऊपर आप देखेंगे तो इसमें कप्स वाला जो डिजाइन दिया हुआ है ये है, और ऊपर नेट भी इसमें डिटेलिंग के लिए लगाया हुआ है। बैक से आप अगर देखेंगे तो इसमें इलास्टिक है, जिससे ये आपको फिट आए, लेकिन मुझे फिट नहीं आया है, शायद मुझे एक्स स्मॉल में इसको परचेज करना चाहिए था। मुझे साइज याद नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कि कौन सा साइज लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। मुझे फैब्रिक का पता नहीं था इसलिए मैंने स्मॉल मंगवाया, नहीं तो मैं एक्स स्मॉल एक बार ट्राई करती। और आप देख सकते हैं प्रॉपर ट्यूब टॉप है, स्वीट हार्ट शेप में है ये, और सुंदर टॉप है, बहुत प्यारा टॉप है, मीडियम, जो अगर आपका साइज मीडियम है, ठीक है, तो आप स्मॉल में परचेज करके देखना, शायद ही आपको परफेक्टली फिट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलास्टिक है ये आपको प्रॉपर फिट करने वाला है, लाइक आप इतने इतना इतने से देखो ये कितना ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, ठीक है। तो ये शायद स्मॉल जो गर्ल्स हैं उनके लिए नहीं है, तो एक्स स्मॉल अगर इसमें साइज नहीं है तो एक्स स्मॉल इसमें होना चाहिए, क्योंकि हमें ये प्रॉपर फिट नहीं आ रहा है, और हमें इसका कोई प्रॉफिट भी नहीं है लेने का, परचेज करने का। बाकी ओवरऑल इतना सुंदर प्यारा टॉप, बहुत सुंदर टॉप है, टॉप मेरा ये था। तो फाइनली जो मेरा लास्ट टॉप है वो मैंने इस बार ब्लैक में परचेज किया है, और ये शायद मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, मैंने ये दोनों तीनों टॉप ओपन कर दिया, बट मैंने ये वाला टॉप ओपन नहीं किया है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया मैं इसको कहाँ से वेयर करूँ कहाँ से क्या करूँ, तो मैंने इसको वापस से रख दिया, फिर मैंने सोचा इसको बाद में वेयर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉप इसी का एक क्लोन मैंने टॉप, पर उसमें स्लीव नहीं थी, हाँ
उसमें स्लीव नहीं थी, ठीक है, उसमें वन स्लीव वाला ही सेम वैसे ऐसा ही पैटर्न था उसमें और बहुत सुंदर था। वो भी मैंने मीशो से परचेज किया था, बट इसका आप लुक देखोगे तो ये आपको इसमें छोटू सा नेक मिल जाएगा इसमें, और यहाँ से जो शोल्डर साइड से है इसमें आपको एक कट मिलता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर ऑफ शोल्डर आने वाला है, ये वाला जो स्लीव है स्लीव प्रॉपर है, ठीक है। फैब्रिक आपको इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल मिलता है, शाइनी शाइनी इसका लुक आ रहा है आप देख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सा चट टॉप है ये, मतलब बहुत ही प्यारा इसका लुक आने वाला है और बहुत लॉन्ग में है और बहुत डिसेंट सा इसका लुक है, बहुत सुंदर लगने वाला है आप देख सकते हैं। बस ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो साइड होने वाला है शोल्डर वाला ये थोड़ा सा ना ज्यादा होने वाला है, लाइक इस ये मेरे ना ऐसे ऐसे जाएगा, क्योंकि जो मैंने गर्ल देखी थी उसमें उसको प्रॉपर फिट आया। अगर ये मुझे फिट नहीं आया तो मैं इसको रिटर्न करके स्मॉल जरूर मंगवाऊंगी, क्योंकि ये वाला टॉप भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, आप देखेंगे तो कितना प्यारा लग रहा है ये वाला टॉप भी। इसका नेक भी देख सकते हैं, इसके जो स्लीव्स है स्लीव्स ही काफी ज्यादा लॉन्ग में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है फैब्रिक, बहुत ऑसम लगने वाला है। तो ये वाला परचेज करके जरूर 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 देखो। लास्ट एंड फाइनल मेरा ये प्रोडक्ट था, तो मैंने टॉप और एक मैंने नेक पीस जो चेन वाला नेक पीस होता है वो परचेज किया था। तो ये चारों टॉप मुझे अच्छे लगे, दो टॉप मुझे थोड़े से लगे कि मुझे उन्हें रिटर्न करना चाहिए, बाकी जो मैंने ये दो टॉप परचेज किए हैं व्हाइट एंड रेड, ये तो आप डेफिनेटली एक बार परचेज करके जरूर देखना, ठीक है। ट्राई ऑन आपको साइड बाय साइड दिख जाएंगे, तो देख के अच्छे से ऑर्डर करना जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप मुझसे बार बार मत पूछा करो कि इनके लिंक्स कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।